दोस्तों कोनी का जो LCU40 होता है कार्ड, उसमें जो इंडिकेशन होता है, तो इसे 70U और 77N, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ये अप में आनी चाहिए और जब लिफ्ट डाउन में रहेगी तो डाउन में आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो लिफ्ट प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। उसके बाद 61N या 61U, ये डोर जोन है, अप एंड डाउन का है, और 30, ये तीनों डोर जोन है। जब भी डोर जोन रहेगी तीनों एलईडी जलेगी, देखो डोर जोन पर भी तीनों एलईडी जल रही है और लिफ्ट मिडवे में है। सपोज मैं इसको, तो एक चीज़ बता रहा दोस्तों, कोनी में अगर हम कंट्रोलर कोनी में जो बता रहा हूँ कि अगर हम कार से कॉल देंगे LOP COP या किसी का, तो हम कैसे देंगे वो बता देता हूँ आपको। सपोज मुझे कॉल देना है 9th floor के डाउन बटन का, यहाँ पर लिखा है डाउन कॉल, तो डाउन को प्रेस करेंगे तो डाउन बटन का हमारा कॉल बुक हो जाए डाउन बटन के लिए, डाउन के लिए इसको लेके एड को हमें डाउन का कॉल बुक कर दिया एड का, और अप बटन का तो अप बटन का। अगर COP का कॉल बुक करना है तो उसी तरह हम बता देते हैं, मैं दिखा देता हूँ। 14 आ गया टॉप फ्लोर, मैंने COP का कॉल बुक कर दिया। अब ये टॉप पे दबा कर रखना, ये सेफ्टी आएगी और ये ऊपर आएगी, तो वो ऊपर का आना शुरू हो गया, वो ऊपर आना शुरू कर दी, डाउन भी जा रही है, कॉल बुक हो गया टॉप फ्लोर का, टॉप फ्लोर का, क्योंकि ये डुप्लेक्स सिस्टम है, दोनों दो लिफ्ट है, दो आपस में डुप्लेक्स है। तो इसमें क्या स्पीड परमिशन है, मैन कॉन्टेक्टर साफ डोर, माने लैंडिंग बोल रहा, लैंडिंग डोर, कार डोर, डोर क्लोज कमांड, ड्राइव नीड ओके ड्राइव, सेफ्टी ओके, ये सब LED आने के बाद ही लिफ्ट रनिंग करेगा, नहीं तो रनिंग नहीं करेगी। उसके बाद देखो जब भी टॉप फ्लोर पर आएगी, जैसा भी बॉटम फ्लोर पर चली गई, एक पर चली गई, देखो 77N आ गया ना, अगर नहीं आता तो ये लिफ्ट नहीं चलती। सबसे बड़ा फंडा ये मंडल का, इसमें यहाँ से प्रोग्रामिंग डालते हैं इसको, ये सब कुछ लिखा हुआ है इस पर, आप देख सकते हो। और बाकी यहाँ फ्यूज लगा हुआ सारी सर्किट का, ये रेक्टिफायर कार्ड होता है इसका पूरा, ठीक है।